The Supreme Court of India has delivered a significant order in the NEET UG 2024 controversy. Now, the Supreme Court has addressed the issue of grace marks which were awarded to 1,563 students. The top court has said that the scorecards of all of these candidates who received grace marks will now be cancelled. In fact, the Supreme Court has also said that the students will be informed of their actual scores without compensatory marks, and then they will be given an option to appear for a retest. If they fail to do so, or if they choose not to appear for the retest, their scores based on the original exam of May 5 will be considered, which means that the grace marks that were given will not be added and the marks that they got without the grace marks will be considered. So this is what the top court has said. In fact, the retest, which the top court has also ordered now, will be conducted on June 23rd. The court's order was also based on the recommendations by the committee, which was originally set up by the National Testing Agency, which is, of course, under fire from all corners. Now, the committee had concluded that the award of compensatory marks had resulted in a skewed situation and that it would be appropriate to recommend the cancellation of the scorecards of the affected students. The retest will be conducted, of course, like I said, on June 23rd, and the results will also be published before June 30. Now, this, viewers, is to ensure that the counselling process, which has already started, is not affected, and the students who get their results after this retest also can be a part of the process. Now, the court's decision aimed to address the concerns of the students and to ensure the integrity of the entire examination process. In fact, during the hearing, the centre also informed the top court that a decision had been taken to cancel the scorecards of the students who would be informed about their actual scores without the grace marks. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए ने आके एनटीए ने अपनी एक कमेटी बनाई जिसने आके क्लेरिफिकेशन दिया कि ये जो भी इश्यू रेज किया है उसको हम दोबारा से इसको आप ये जो भी इश्यू रेज किया गया है ग्रेस मार्क्स का तो एनटीए ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया एक कमेटी बना के कि इसका हम दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है जहां पर स्टूडेंट्स ने पिटीशन फाइल की है उसको हमने कंसीडर किया है और हम 23 जून को दोबारा से क्या एनटीए ने माना है कि ग्रेस मार्क के पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम थी और आपकी क्या पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी गई है नहीं हमारी पिटीशन अभी भी पेंडिंग है हमारे मुद्दों के लिए कोर्ट ने बोला है कि बाकी जो आपके मुद्दे हैं उनकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी और ग्रेस मार्क्स के लिए भी अभी हमारा ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है मुद्दा हमारा अभी भी अलाइव है जिसके लिए हम 8 जुलाई को कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया जिनके साथ भी ये घटना हो सकता है हुई हो तो उनके लिए भी हम ये मुद्दा उठाएंगे कोर्ट के सामने 8 जुलाई को हमारे साथ फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे हैं आप लोगों ने पूरी कोशिश की और आज एनटीए ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क सिस्टम में प्रॉब्लम थी इसी वजह से रीएग्जामिनेशन करा रहे हैं ये एक पहली जीत है अब इसके आगे कितनी लंबी लड़ाई है जीत तो मैं नहीं बोलूंगा किसकी जीत है हार है पूरे पूरे सिस्टम की हार है बच्चों की हार है शिक्षकों की हार है देश की हार है जीत किसकी जीत हुई आप अपने ही देश के अंदर एक नेशनल बॉडी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और आप बोलते हैं वो आके अपने पहले ही हियरिंग के अंदर एक्सेप्ट करते हैं कि जो ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट है उससे बच्चों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन है हार्टबर्न है इसको हम हटा लेते हैं कल ही तो आपने एफएक्यू निकाला था 24 घंटे पहले और वहां आप स्ट्रांगली कह रहे थे कि ये जो हमने ग्रेस नंबर दिया है आंसर की एफिशिएंसी के बेसिस पे है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे है तब 24 घंटे अंदर आपका स्टैंड चेंज हो गया किसी की जीत नहीं हुई है यहां सबकी हार हो गई है पूरे सिस्टम की हर चीज की हार है कि एजुकेशन सिस्टम में इतने बड़े लूप होल है कि कोई चीज के बारे में बात नहीं की जाती पर जैसे ही मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है यहाँ हर किसी को पता है यहाँ चीजें साफ हो जाएंगी तो आते ही आप पहली हियरिंग के अंदर बोल देते हो कि नहीं नहीं ये 1563 वाला हम हटा ही लेते हैं और हम सब बच्चों को ये 1563 बच्चों को ऐसा करते हैं कि वो रीटेस्ट दे लें या तो उनके जो ओरिजिनल नंबर है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना तो ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट आप लाए क्यों और ग्रेस नंबर आपने खुद से बताए भी नहीं थे वो तो हम लोग ने पकड़ा था ऐसी कितनी चीजें आप और करते हो आज कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि एनटीए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है ऐसी चीजें बताता भी नहीं है कर भी देता है और जैसे ही बात प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचती है वैसे कहता है कि नहीं नहीं सर इसको हटा लेते हैं ये तो मिस्टेक था और कल सुबह तक जब वो मॉनिटर थे क्लास के तब तक नहीं एग्री कर रहे थे फिलहाल ग्रेस मार्क में गमियां हैं सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने स्वीकारा है और जो 1563 छात्र हैं उनको री एग्जामिनेशन के लिए बोला किस तरह से आप देखते हैं क्या नाम है आपका सर मेरा नाम अनुराग मिश्रा है ठीक है इस बात को सुनकर के एटलीस्ट ये तो लगा कि 0.1% से तो हम आगे आ ही जाएंगे पर सर मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि एनटीए बार बार पेपर लीक से क्यों डेविएट कर रहा है अपने आप को और बाकी की सारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट को या फिर मीडिया को भी देखा जाए तो उसका बार बार फोकस यदि आप ध्यान देंगे तो 1563 बच्चों की ओर बार बार ले जाना चाहता है वी वर एक्सपेक्टिंग अ टॉप मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली बट अब चीटिंग और लीक जो भी है ग्रेस मार्क्स जो भी है उसकी वजह से मेरे को किसी बाहर के एक नॉर्मल मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा
पिछले साल अगर होती तो मेरी रैंक 2500 से लेकर 3000 तक होती, जिसमें मेरे को दिल्ली के टॉप कॉलेज मिलते मेडिकल कॉलेज। मेरे 650 नंबर है और इस नंबर पे अगर हम पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो मेरी रैंक 10000 से कम होनी चाहिए थी, जो कि आज मेरी रैंक 30000 है। As expected, there's a lot of political reaction that's also coming in. While the government has maintained that there is no foul play, the opposition is in no mood to relent. The Congress has attacked the center over the issue. The Congress is alleging a larger nexus between the coaching centers, and they are now demanding a CBI probe as well. देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, there is no corruption. अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1,500 स्टूडेंट की है। पेपर लीक, मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिलीवर्ड अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर इन द नीट यूजी 2024 कंट्रोवर्सी। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज एड्रेस्ड द इश्यू ऑफ ग्रेस मार्क्स व्हिच वर अवॉर्डेड टू 1563 स्टूडेंट्स। द टॉप कोर्ट हैज सेड दैट द स्कोर कार्ड्स ऑफ ऑल ऑफ दीस कैंडिडेट्स हु रिसीव्ड ग्रेस मार्क्स विल नाउ बी कैंसल्ड। In fact, the Supreme Court has also said that the students will be informed of their actual scores without compensatory marks, and then they will be given an option to appear for a retest. If they fail to do so, or if they choose not to appear for the retest, their scores based on the original exam of May 5 will be considered, which means that the grace marks that were given will not be added and the marks that they got without the grace marks will be considered. So this is what the top court has said. In fact, the retest, which the top court has also ordered now, will be conducted on June 23rd. The court's order was also based on the recommendations by the committee, which was originally set up by the National Testing Agency, which is, of course, under fire from all corners. Now, the committee had concluded that the award of compensatory marks had resulted in a skewed situation and that it would be appropriate to recommend the cancellation of the scorecards of the affected students. The retest will be conducted, of course, like I said, on June 23rd, and the results will also be published before June 30. Now, this, viewers, is to ensure that the counseling process, which has already started, is not affected, and the students who get their results after this retest also can be a part of the process. Now, the court's decision aimed to address the concerns of the students and to ensure the integrity of the entire examination process. In fact, during the hearing, the center also informed the top court that a decision had been taken to cancel the scorecards of the students who would be informed about their actual scores without the grace marks. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए ने अपनी एक कमेटी बनाई, जिसने आके क्लेरिफिकेशन दिया कि ये जो भी इश्यू रेज किया है उसको हम दोबारा से इसको आप ये जो भी इश्यू रेज किया गया है ग्रेस मार्क्स का, तो एनटीए ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया एक कमेटी बना के कि इसका हम दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जहां पर स्टूडेंट्स ने पिटीशन फाइल की है उसको हमने कंसीडर किया है और हम 23 जून को दोबारा से। क्या एनटीए ने माना है कि ग्रेस मार्क के पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम थी और आपकी क्या पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी गई है? नहीं, हमारी पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। हमारे मुद्दों के लिए कोर्ट ने बोला है कि बाकी जो आपके मुद्दे हैं उनकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी, और ग्रेस मार्क्स के लिए भी अभी हमारा ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, मुद्दा हमारा अभी भी अलाइव है, जिसके लिए हम 8 जुलाई को कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया, जिनके साथ भी ये घटना हो सकता है हुई हो, तो उनके लिए भी हम ये मुद्दा उठाएंगे कोर्ट के सामने 8 जुलाई को। हमारे साथ फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे हैं। आप लोगों ने पूरी कोशिश की और आज एनटीए ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क सिस्टम में प्रॉब्लम थी, इसी वजह से रीएग्जामिनेशन करा रहे हैं। ये एक पहली जीत है, अब इसके आगे कितनी लंबी लड़ाई है? जीत तो मैं नहीं बोलूंगा, किसकी जीत है, हार है, पूरे पूरे सिस्टम की हार है, बच्चों की हार है, शिक्षकों की हार है।
देश की हार है, जीत किसकी जीत हुई? आप अपने ही देश के अंदर एक नेशनल बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और आप बोलते हैं वो आके अपने पहले ही हियरिंग के अंदर एक्सेप्ट करते हैं कि जो ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट है उससे बच्चों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन है, हार्टबर्न है, इसको हम हटा लेते हैं। कल ही तो आपने FAQ निकाला था 24 घंटे पहले, और वहां आप स्ट्रांगली कह रहे थे कि ये जो हमने ग्रेस नंबर दिया है आंसर की एफिशिएंसी के बेसिस पे है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे है। तब 24 घंटे अंदर आपका स्टैंड चेंज हो गया। किसी की जीत नहीं हुई है यहाँ, सबकी हार हो गई है, पूरे सिस्टम की, हर चीज की हार है कि एजुकेशन सिस्टम में इतने बड़े लूप होल है कि कोई चीज के बारे में बात नहीं की जाती, पर जैसे ही मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है यहाँ हर किसी को पता है यहाँ चीजें साफ हो जाएंगी। तो आते ही आप पहली हियरिंग के अंदर बोल देते हो कि नहीं नहीं, ये 1563 वाला हम हटा ही लेते हैं, और हम सब बच्चों को, ये 1563 बच्चों को ऐसा करते हैं कि वो रीटेस्ट दे लें या तो उनके जो ओरिजिनल नंबर है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना, तो ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट आप लाए क्यों? और ग्रेस नंबर आपने खुद से बताए भी नहीं थे, वो तो हम लोग ने पकड़ा था। ऐसी कितनी चीजें आप और करते हो। आज कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि NTA बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसी चीजें बताता भी नहीं है, कर भी देता है, और जैसे ही बात प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचती है वैसे कहता है कि नहीं नहीं सर, इसको हटा लेते हैं, ये तो मिस्टेक था। और कल सुबह तक जब वो मॉनिटर थे क्लास के, तब तक नहीं एग्री कर रहे थे।